हेलो फ्रेंड, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं। ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो, वे इस वीडियो को देख के सीख सकें कैसे फिटिंग होती है बाथरूम की। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये हो गया बाथरूम, ये बाथरूम है हमारा और सामने टॉयलेट है। ये शीट लगी हुई है कट्टे के नीचे, ठीक है। ये लाइन डाली हमने, ये लाइन टैंक की है और ये ताजे का हो गया और ये गरम का हो गया। ये गरम का इधर से ही गीजर के पॉइंट बने हुए हैं, नीचे से ही आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये 5 फुट की हाइट पे है गीजर के पॉइंट, फर्श से 5 फुट के ऊपर है। और ये है शावर का, शावर के पॉइंट है फर्श से 7 फुट पे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो वाल मिक्सर के पॉइंट हैं, ये हैं करीब करीब 40 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाल मिक्सर लग जाएगा। और इनका जो गैप है ना, इनका गैप है 6.5 से 7 इंच, 7.5 6.5 इतना रख सकते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है वो 6 6 इंच का है, 7 7 इंच का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लाइन टेंकी हमने आगे ले गए, ये लोटे के लिए हो जाएगा। ये 15 इंच पे है फर्श से और ये सिस्टम का हो जाएगा पीछे की तरफ। ये सब कट के यहाँ पे लिपाई हो जाएगी ना, प्लास्टर हो जाएगा, तो ये सिस्टम का पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये टैंक का एक ही पॉइंट हमने बाहर लिया है यहाँ पे वॉश बेसन के लिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो टैंक की लाइन आ रही है वो पीछे से आ रही है, वो भी दिखाऊंगा आपको टैंक कैसे रखा जाता है। ये है वॉश बेसन का पॉइंट, यहाँ पे वॉश बेसन लग जाएगी। और ये कपड़ा कुपड़ा धोने के लिए ये नलका लगा हुआ था, ये नलका हट जाएगा यहाँ से, ये समरसेबल का है। और ये टैंक की टंकी हो जाएगी एक, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइन किचन में जा रही है, एक ताजे की और एक टैंक की, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, इसमें भी 7 इंच का डिस्टेंस है। और ये 12 इंच हो गया है, आप 8 इंच पे, 10 इंच पे, 12 इंच पे भी ले सकते हो, कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर जैसे बोले ऐसे करना है, कस्टमर ने बोला हमें थोड़ा ऊपर को लेना है तो इसको ऊपर कर लिया हमने। बाकी 8 इंच पे भी ले सकते हो, 10 इंच पे भी ले सकते हो, ठीक है गाइस। अब आपको मैं दिखा देता हूँ टैंक की लाइन, टैंक की लाइन अभी हम जोड़ रहे हैं। ये सबमर्सिबल का आ रहा है पाइप बाहर से, ये एक अंदर चला गया और एक ये सीधा यहाँ कुछ ऊपर जा रहा है टैंक में। ये समरसेबल का पाइप है और ये 2 लाइन हमारी आउटपुट आ रही हैं। ये एक तो बाथरूम की लाइन हो गई और एक ये सीधी किचन में जा रही है एक लाइन। इससे क्या होगा ना, प्रेशर अच्छा मिलेगा, कस्टमर को परेशानी नहीं होगी, ठीक है गाइस। अभी ऊपर टैंक रख रहे हैं, टैंक रख देंगे उसके बाद इसकी भी वीडियो एड कर दूंगा इसमें टैंक कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ टैंक के पास, कुछ टैंक की भी फिटिंग देख लो, ठीक है गाइस। ये जो बीच वाला पाइप आया, ये आया समरसेबल का, देखो ये आ गया ऊपर, ये ऊपर डलता है समरसेबल का, जो आएगा ना इनलेट होगी ऊपर होगी और जो आउटपुट होती है वो नीचे होती है। ये 2 आउटपुट जा रही हैं इसकी, एक ये वाली है आउटपुट और एक ये वाली आउटपुट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले टैंक में निप्पल लगाएंगे, टैंक निप्पल इनको बोलते हैं, टैंक निप्पल। ये दोनों तरफ टैंक निप्पल हो गए और फिर बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे के फिर लगाएंगे हम बोल वाल, इसको बोलते हैं बोल वाल। ये ऐसे काम करते हैं, पानी को रोकने के लिए होती है। नीचे कुछ काम करना है, हमें पानी बंद करना है टैंक में, तो यहाँ से बंद कर देंगे, सबको वैसे पता ही होता है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद लगाएंगे हम यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। मान लो हमें टैंक की साफ़ सफाई करनी पड़ गई
तो फिटिंग पे से यहाँ से खोल के यूनियन ये ऐसे खुल जाती है। बहुत टाइट कर रखी भाई। ओहो ये दोनों हाथों से खुलेगी यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये खुल जाएगी यहाँ से, ठीक है, और फिर नीचे जाएगी। यहाँ पे हमें टी लगानी होती है, और ये जो पाइप हमने खड़े कर रखी है ये होते हैं हवा के लिए। देखो ये पाइप हवा के लिए खड़े करने पड़ते हैं, अगर ये पाइप नहीं लगाएंगे ना सीधे सीधे नीचे उतार देंगे तो पानी नहीं आएगा, हवा बनी रहेगी इसके अंदर, तो इसमें को हवा निकलती है और नीचे प्रेशर अच्छा आता है फिर, ठीक है गाइस। और ये इनलेट हो गई समरसेबल की, ये आउटलेट हो गई टंकियों के लिए, और ये ओवरफ्लो है, ये इधर से ओवरफ्लो निकल रहा है, इसको हमने नीचे डाल दिया है लेंटर पे, यहाँ से चला जाएगा पानी, ठीक है गाइस। ये होती है फुल फिटिंग यार, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना यार, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत धूप हो रही है, पसीने में नहा रहा हूँ बिल्कुल आपके लिए, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, इस तरह की और भी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है गाइस। और हाँ, अभी कुछ दिनों बाद इसकी फिनिशिंग करने आएंगे, उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको मिक्सचर कैसे लगता है, ठीक है गाइस।